हाँ, तो मैं निकलता हूँ डीपू से धनसरी की तरफ, लेकिन ये देखिए फिलहाल तो अभी मैं फ्लाईओवर के नीचे में हूँ और बारिश के वजह से फ्लाईओवर का हालत खराब, बहुत स्लिप होने का चांसेस रही है। तो इसका हालत पूरा खराब है, बारिश होने से इधर में नहीं आने का है, नहीं तो बहुत ये रास्ता और उसके वजह से रास्ता पूरा खराब हो गया। तो ये है डिपू का फ्लाईओवर वाला रोड, तो मैं इधर से आया था। इधर में तेल भरा के जाऊं, आगे जाना पड़ेगा शायद। तो ये देखिए रास्ता का हालात बहुत खराब है, क्योंकि इधर में रोड जो बन रहा है अभी फ्लाईओवर जो बन रहा है इसी वजह से इधर में रास्ता का जो हालात है वो बहुत खराब है। हमें फ्यूल भराना है, हालत भी क्या रास्ता का हालत भी खराब है आगे। Langung kelas kok kan nek kok kok
जी हो गया मेरा फ्यूल का काम, अभी चलता हूँ सीधे। ओह रास्ता का हालत तो बहुत खराब है अभी, क्योंकि रात को बारिश हुआ था इसी वजह से। देखिए दीपू का तो फ्लाईओवर है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को अच्छे से दिखाऊंगा ये जो दीपू का जो फ्लाईओवर है उसका काम कितना तक मतलब कंप्लीट हुआ और नहीं हुआ वो सब दिखाऊंगा। तो फिलहाल चलिए मैं यहाँ से निकलता हूँ। क्योंकि मुझे जाना है दूर, मुझे धनसरी तक जाना है, क्योंकि दीपू टू धनसरी 25 किलोमीटर होता है। तो 25 किलोमीटर मुझे जाना पड़ेगा और मौसम भी ठीक नहीं है, बारिश हो सकता है, इसलिए मुझे जल्दी जल्द से जल्द यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो ये है दीपू मार्केट। तो फिलहाल अभी मार्केट बहुत गर्म है क्योंकि पूजा आ रहा है, दुर्गा पूजा, इसीलिए पूरा मार्केट में बहुत भीड़ है। कल शाम को जब मैं निकला था तो देखा कि दीपू मार्केट पूरा का पूरा भीड़। देखिए यहाँ का भीड़, सुबह को यहाँ पे कितना भीड़ होता है। और यहाँ पर हनुमान मंदिर, इस तरह मार्केट, जो बारिश की वजह से पूरा पानी मतलब ये रास्ता खराब कर दिया। पता नहीं आगे क्या मिलेगा, कैसा होगा आगे का रास्ता। फिलहाल मैं आप लोगों को जाते जाते बताऊंगा। चलिए जैसे तैसे करके मैं वहां से तो निकल के आया हूँ। अभी जाते हैं सीधा धनसरी की ओर। और ये है रेल गेट। इसे रेल गेट को क्रॉस करके जाना पड़ेगा, मतलब ट्रेन आने से ये भी। लगता है आगे रास्ता खराब होने वाला है।